देखो भगवान री बातें करने शू जगत रो कल्याण हो, पर संसार की थारी मारी री बातें करिया कहीं मिली वही लड़ाई झगड़ो हो गया मिलनो की नहीं। और भगवत चर्चा होवे तो जगत ने लाभ मिले। कथा सुनने शू भगवान री बातें सुनने शू मन ने शांति मिले। संसार में जीवों रे कल्याण रो मुख्य साधन और सब शास्त्रों रो सार वही है कि मिनखारी भगवान रे चरणों में भक्ति हो जावे। एक आदमी धर्म रो अनुष्ठान करे और यदि भगवान री कथा में उनरो प्रेम नहीं है तो कई मिलियो खाली परिश्रम हाथ लागियो। धर्म रो प्रयोजन है मोक्ष, पर अपा लोग धर्म रो अर्थ माना धन। धर्म कारा जन धर्म धन मिली, धर्म रो अर्थ है मोक्ष, धन है वो धर्म री प्राप्ति रे वास्ते। पर अपा लोग धन रे द्वारा विषय सुख चावा, ए विषय सुख खाली शरीर निर्वारे वास्ते है। पर अपा लोग विषय सुख रे द्वारा इंद्रियों ने तृप्त करनो चावा, इंद्रियां कदई कोई री तृप्त हुई नहीं, होवे नहीं और होवेलाइज नहीं, खाली तत्वरी जिज्ञासा और जीव रो प्रयोजन है। तत्व है भगवान श्री कृष्ण। निश्चल मनसू भगवान री लीला कथा सुनो, हरि नाम रो कीर्तन करो, बैठ भगवान रे स्वरूप रो ध्यान करो, भगवान रे श्री विग्रह री पूजा करो। तस्माद एकेन मनसा, ये जो साधन बताया है इनमें से यदि एक साधन भी आप जीवन में स्वीकार करो ला तो आपरे जीवन रो अहंकार दूर हो जावेगा। वीर यज्ञ जप तप ये सब परमात्मा रो प्रतिपादन करे, ये सब भगवत प्राप्ति रा साधन है। पहला भी मुनि लोग यज्ञ रे द्वारा तप आदि रे द्वारा भगवत आराधना करी, आप लोग भी बैठ भगवान रे स्वरूप रो ध्यान करिया करो, भगवान रे श्री विग्रह री पूजा करो, भगवत आराधना करो। ओ जितो जो संसार दिखे है वो भगवान सुई प्रगट हुयो और अंत में सब रो सब भगवान में ही लीन हुए। भगवान सु अलग इन संसार में दूसरो कोई तत्व नहीं है। आप जो अवतार री बात पूछी, क्यों तो देखो भगवान रा कई अवतार है। परित्राणाय साधु नाम, विनाशायस्त दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान रा मुख्य 24 अवतार बताया है। सनकादि महर्षियों रो अवतार, वरा अवतार, नारद अवतार, नर नारायण अवतार, कपिल अवतार, दत्तात्रेय अवतार, यज्ञ अवतार, ऋषभ अवतार, पृथु अवतार, मत्स्य अवतार, कुरुम अवतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, व्यास अवतार, राम अवतार, बलदेव अवतार, कृष्ण अवतार, हरि अवतार, हंस अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार। ये 24 अवतार है अपना। जो सुबह शाम अवतारों की कथा सुने वो जीव दुखमय संसार से मुक्त हो जावे। कई देहाभिमानी जीव तरकरे द्वारा बुद्धि बलरे द्वारा भगवान री लीला रो ज्ञान चावे, पर कोई भी आदमी तर्क सु बुद्धि बल सु भगवान री लीला रो ज्ञान नहीं पा सके। जो अभिमान छोड़ भगवान री शरण लेवे उन जीव रे ऊपर भगवान री कृपा होया करे। आप लोग धन्य हो। देखो राजस्थान में तो अबर उकड़ी गर्मी पड़े, पूरी दुनिया में राजस्थान री गर्मी प्रसिद्ध है। मारवाड़ री गर्मी, लुआ चाले, गर्म हवा चाले, एड़ी भरी दोपारी रे मायने भी
आप लोग भगवान रे प्रति निष्ठा राख, रांदेड़ भवन में मकराणारी इन पावन धरारे ऊपर देखो कथा सुनने रे वास्ते पधारिया हो। आप सबरों में हृदय से साधुवाद करो, आप सबरा सब मुक्त हो। नहीं तो अवरों इन गर्मी रे मायने कुन कूलर सो आगो होगनो चावे, कुन घर सो बारे निकलनो चावे, पर भगवान रे प्रति आपकी निष्ठा है, संतों रे प्रति आपकी सद्भावना है, जो आप आपने जीवन ने धन्य कर दिया हो, कथा में पधारिया हो। मैं आपने पांचवो पुराण सुना रही हूं, पांचवो पुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण, पांचवो वेद, पांचवो वेद। भागवत में भगवान रे चरित्रों रो वर्णन है, लोक कल्याण रे वास्ते भागवत जीरो प्रगट्य हुयो। व्यास जी महाराज आपरे बेटा सुखदेव जी ने भागवत रो रसास्वादन करवायो। सुखदेव जी महाराज गंगा किनारे राजा परीक्षित ने आ कथा सुनाई और गुरु चरणों में बैठ जड़ी जो बातें सुनी है सीखी है, आप हरिभक्तों रे साथे बैठ चिंतन मनन करतो हूं, अपनी भाषा में भगवान री लीला निवेदन कर दियो। भगवान आपने नित्य धाम में गिया तो अपन जड़ा जीवों रे कल्याण रे वास्ते देखो इन भागवत पुराण रूपी सूर्य रो उदय हुयो। धर्म भी अवे देखो भागवत जी रे आश्रय में रहवे। अवे आप आगे कहीं पूछनो चाहो, मुनि लोगों री सभा में देखो सूत जी महाराज उपदेश दे रिया है, शौनकादि ऋषि सूत जी महाराज रो आदर करन कहवे, आप तो वक्ताओं में श्रेष्ठ हो, पावन कथा सुनाओ। जो कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने सुनाई, बा कथा किन स्थान में किन कारण और किन युगरे मायने हुई। व्यास जी रा बेटा सुखदेव जी महाराज समदर्शी हा, जन्म तई सब कुछ छोड़ वन में जावे। प्रसंग आवे एक दिन नारद जी महाराज कैलाश आया, महादेव जी समाधि में हा, पार्वती जी वठे बैठी पूजा करे। नारद जी आई माता जी ने प्रणाम करे, पार्वती कहे आओ नारद जी। नारद जी कहे माँ एक बात पूछो, आपरा पति देव है महादेव जी गले में रुंड मुंड खोपड़ियों री माला क्यों पहने। पार्वती कहे मने तो ठाक हो, तो आप आपरे पति देव ने पूछ जो। यूं कह नारद जी तो वटेश रवाना हो गया। बाद में महादेव जी समाधि सु जागिया, पार्वती प्रणाम करन कहे हे देवादी देव आप गले में आ रुंड मुंड खोपड़ियों री माला क्यों पहन। महादेव जी कहे इवी नहीं नहीं कोई तो कारण है। पार्वती ज्यादा हट करियो, महादेव जी कहे देख पार्वती थारो मारे प्रति बड़ो प्रेम है, तू मरे जब थारे मा थारी खोपड़ी में आ माला में पहनो, इति बार तो जन्मी मरी। पार्वती ने इचरज हुयो कई में इति बार जन्मी मरी, हाँ तो आप जन्मो मरो कोई नहीं, नहीं नहीं तो एड़ी आपरे कने कई अमर जड़ी है, बा अमर जड़ी आप मने भी दे दो। महादेव जी कहे पार्वती आज मैं तने अमर कथा सुनू, पर बारे देख अपनी बात ने कोई दूजो तो नहीं सुने। पार्वती जी नजर घुमाई कोई वठे दी क्यों नहीं, महादेव जी एक ताली बजाई, पेड़ रे ऊपर जिता पक्षी आवे भी उड़ गया, फिर दूजी ताली बजाई वे अंडा भी पक गया बच्चा बारे आया, और तीजी ताली में वे बच्चा भी उड़ गया। एक वटे शड़ियोड़ो अंडो पड़ियो हो, पहली ताली में ठीक हुई हो, दूजी ताली रे मायने पकियो और तीजी ताली रे मायने वो बच्चों अंडे शो बारे आए। महादेव जी कहे देख पार्वती मैं थने आज अमर कथा सुनाऊ, मैं तो ध्यान मगन होई कथा सुनाऊ और थने कटी नींद आएगी तो, और जगह तो नींद आवे कि नहीं आवे,
पर कथा में तो एड़ी होरी नींद आवे ठाई नहीं पड़े। नींद आवे जन देखो चुपचाप मां तो एड़ो नीचे जावे कने बैठो जो कहे ओ भाई साहब नींद आवे कहे कौन कहे नींद आवे मैं तू ध्यान लगाए कथा सुने झूठ और बोलिया करे। आ नींद है आ देखो बिगाड़ो कर दिया करे। इन वास्ते संत कहे सावधान होई कथा सुनो, सावधान होई और कथा सुनो, नहीं तो आ नींद बीच रे मायनी बिगड़ो कर दे। नींद रे विषय में देखो संत लोग आपरी वाणी रे मायने लिखियो है, घर जाई जे वैरण नींद जिन घर राम नाम नहीं भावे। घर जाई जे वैरण नींद जिन घर राम नाम नहीं भावे। राम नाम नहीं भावे हरि भजन ना भावे। राम नाम नहीं भावे हरि भजन नहीं भावे। घर जाई जे वैरण नींद जिन घर राम नाम नहीं गुणगर जाजे पैरण नींद जिन पर राम नाम नहीं भावे। जे तू जाई जे राज दवारे के रसिया रस भोगी। के तू जाई जे राज दवारे के रसिया रस भोगी। मारो पीजो छोड़ बावली मैं हूँ रम तो जोगी। मारो पीछो छोड़ बावली मैं हूँ रम तो जोगी। गुणगर जाई जे वैरण नींद जिन घर राम नाम नहीं भावे। गुणगर जाजे वैरण नींद जिन घर राम नाम नहीं भावे। ओ राम नाम नहीं भावे हरि भजन ना भावे। राम नाम नहीं भावे हरि भजन नहीं पावे। गुणगर जाइजे वैरण नींद जिन घर राम नाम नहीं भावे। गुणगर जाइजे वैरण नींद जिन घर राम नाम नहीं भावे। ऊंचो मंदिर और सकीरे कामिनी चवर डुलावे। मारे साथे के करी बावली राख रेत दुख पावे। मारे साथे के कर बावली राख रेत दुख पावे। उन घर जाई जे वैरण नींद जिन घर राम नाम नहीं पावे। उन घर जाई जे वैरण नींद जिन घर राम नाम नहीं पावे। राम नाम नहीं भावे हरि भजन ना भावे। राम नाम नहीं भावे हरि भजन नहीं पावे। गुणगर जाइजे वैरण नींद जिन घर राम नाम नहीं भावे। गुणगर जाइजे वैरण नींद जिन घर राम नाम नहीं भावे। हरि बोल। सभा में झूठो बोले निंदा करे पराई। भरी सभा में झूठो बोले निंदा करे पराई। ये तीनों हमने तुमको सौंपा जाई जे बिना बुलाई। ये तीनों हम तुमको सौंपा जाई जो बिना बुलाई। उड़ कर जाई जे वैरण नींद जिन घर राम नाम नहीं भावे। गुणगर जाजे वैरण नींद जिन घर राम नाम नहीं भावे। ओ हो राम नाम नहीं भावे हरि भजन ना भावे। राम नाम नहीं भावे हरि भजन नहीं भावे। गुणगर जाइजे वैरण नींद जिन घर राम नाम नहीं भावे।
रावण कर जाजे बैरण नींद जिन पर राम नाम नहीं भावे। अमल तमाकू भांग चोतरा पीवे कालू पानी, अमल तमाकू भांग चोतरा पीवे कालो पानी। गुण कर जावो खुशी मनावो बन जावो पटरानी, गुण कर जावो खुशी मनावो बन जावो पटरानी। गुण कर जाइए बैरण नींद जिन कर राम नाम नहीं भावे, गुण कर जाइए बैरण नींद जिन कर राम नाम नहीं भावे। राम नाम नहीं भावे हरि भजन ना भावे, राम नाम नहीं भावे हरि भजन नहीं भावे। गुण कर जाइए बैरण नींद जिन कर राम नाम नहीं भावे, गुण कर जाइए बैरण नींद जिन कर राम नाम नहीं भावे। कहे भरतरी सुनिए निद्रा या नहीं तेरा वासा, कहे भरतरी सुनिए निद्रा या नहीं तेरा वासा। राज छोड़ने लिवी रे फकीरी, राज छोड़ने लिवी फकीरी राम मिलन की आशा, राज छोड़ने लिवी फकीरी राम मिलन की आशा। गुण गर जाइए बैरण नींद जिन कर राम नाम नहीं भावे, गुण गर जाइए बैरण नींद जिन कर राम नाम नहीं भावे। राम नाम नहीं भावे हरि भजन ना भावे, राम नाम नहीं भावे हरि भजन नहीं भावे। गुण गर जाइए बैरण नींद जिन कर राम नाम नहीं भावे, गुण गर जाइए बैरण नींद जिन कर राम नाम नहीं भावे। राम नाम नहीं भावे ओ राम नाम नहीं भावे, राम नाम नहीं भावे जाने राम नाम नहीं भावे। और जगह तो नींद आवे कि नहीं आवे जा को हथई करे जन नींद आवे, पूरी रात बैठा बैठा बातें कर ले पर भगवान री माला फेरी कथा सत्संग में बैठी एड़ी नींद आवे पूछो ही मत। एक जगह एक महाराज कथा करता जन गांव रा एक मौजिद आदमी पे समूह आगे आन बैठता और बैठते ही कथा में नींद लेनी शुरू कर दे पाई। महाराज देख लो वे मोटा गांव रहा आदमी है यानी कहवा तो कहवा ही की कर। एक बार वो पोतो बने लेन बटे साथ आओ तो महाराज पोता ने बुलान कहो मैं कल तने एक रुपयो दे गुलपी खाई लीजे तो थारे दादा कने बैठ दीजिए, दादा ने नींद आवे नहीं जड़ पोता जारी नींद जगाई जाए। छोरा ने एक रुपया रो प्रलोभन दियो आज वो पोतो दादा रे कने बैठ गो, अबे कथा में बैठता ही डोकरा नहीं नींद आवे और छोरो नींद जगावे। आज पूरी कथा में पोतो डोकरा ने नींद को नहीं लेवूंगी, कथा पूरी होता ही डोकरो उठता ही छोरा ने कहे छोरा आज तू मने कथा में परेशान क्यों करतो। डोकरो ज्यो ही पोता ने आ बात कही पोतो कहे महाराज कहो थने एक रुपयो देऊ तो गुलफी खाई लीजिए डोकरा ने नींद मत लेवन लीजिए। डोकरो कहे काले नेड़ो मत आई जे मैं थने दो रुपया दे दे। आज डोकरो ज्यो ही कथा में बैठ गो छोरो नेड़ो ही नहीं आवे, महाराज हाथ इशारो करियो। छोरो खेलतो खेलतो कहे थे तो एक देव दादू दो रुपया दे। महाराज कहे बार नींद आवे, डोकरो कहे बाप जी घरू परेशान योड़ो नींद लेने तो अठे आऊ। और जगह तो चाहे नींद आवे कि नहीं आवे पर कथा में बैठ पाई एड़ी मीठी मीठी नींद आवे। महादेव जी कहे पार्वती थने कटी नींद जी आई इन वास्ते सो कथा रे मायने बीच बीच में हूं करो देवती रे।
હવે મહાદેવજી ધ્યાન મગન હોય, પાર્વતીને અમર કથા સુણાવે, બા અમર કથા હિ ભાગવતજીની કથા. કથારો ક્રમ પહેલે સ્તન શું દસવે સ્તન તક પહોંચ ગયો. પાર્વતીજી બરાબર ઓંકારો દેવતી રહી. એકાદશ સ્તન શરૂ હોય, જ્ઞાનરો પ્રકરણ શરૂ હોય. પાર્વતીજીને નીંદ અવને લાગી. હવે હું તોતેરો વચ્ચો હે ઓંકારો દેવના શરૂ કરી દેવે. કૃષ્ણ ઉદ્ધવરો સંવાદ પૂરો હોય. એકાએક પાર્વતીની નીંદ ખુલી. પાર્વતીજી કહે દેવાદી દેવ કૃષ્ણ ઓર ઉદ્ધવરો સંવાદ તો મેં સુણ્યો હી હોય. મહાદેવજી કહે ઓંકારો કોણ દેવતો દેખ્યો તો સ્વામી તોતેરો બચ્ચો દીખ્યો. અરે પાર્વતી કઈ થોઈણને દેખ્યો કોઈ નહીં. પાર્વતીજી કહે ઓ તો અટે સડિયોડા અંડરે રૂપ મેં પડ્યો હો. એડો લાગે હે અમર કથારે પ્રભાવ શું જીવિત હો ગયો. શિવજીને સહન નહીં હોય. અમર કથા ચોરાઈ લી. મહાદેવજી ત્રિશુલ લે પણ તોતારે લારે દોડ્યા. હવે હું તોતો આગે આગે ઉડે. લારે મહાદેવજી ત્રિશુલ લ્યોડાન ભાગે. વ્યાસજીરા ધર્મપત્ની જીકરો નામ પિંગલા. બે ઘરે આંગણા મેં માથું ગૂંથાવે મુંડો ખુલ્લો. હું તોતો સીધો પિંગલા રે મુંડા શું પેટ મેં ઘૂસડું. મહાદેવજી કહે અટે છિપન કિતાક દિન રહી. મહાદેવજી વટૈસ ધરણો દેન વેટગા. વ્યાસજી આયા મહાદેવજીને વઠે બેઠા. દે ક્યાં કહ્યું યો મહારાજ કે તારે ઘર મેં મારો ચોર છિપો. કઈ ચોરી કરી કે અમર કથા ચુરાઈ લી. હવે કે બારે આય જણને દંડ દેવ. મહારાજ હું તો અમરો ગયો. મહાદેવજી વટે શું કૈલાસ ગઈ પુરા. હવે મારે ઉદર મેં ઘુસ્યોડો ઓ સુખદેવ 12 સાલ તક મારે ઉદર મેં રહ્યો. વ્યાસજી કહે બેટા બારે આ તારી માને કષ્ટ હોતો. સુખદેવ દેખો મારે ઉદર મેં બોલ્યો. માને પૂછ લો માને કોઈ કષ્ટ નહીં. યદી બારે આવું તો મારે ઉપર માયા આક્રમણ કરી તો બોલ બેટા તું બારે કિકર આઈ. સુખદેવ મારે પેટ મેં બોલ્યો. ભગવાન કૃષ્ણ યદી એનો આશીર્વાદ દેવે કે સુખદેવ રે ઉપર માયારો આક્રમણ નહીં હોય તો મેં બારે આ શકું. હવે ભગવાન શું વ્યાસજી ત્રિવાચિક આશીર્વાદ લ્યો. સુખદેવ રે ઉપર માયારો આક્રમણ નહીં હોવેલા નહીં હોવેલા. જેણે સુખદેવજી મહારાજ એણે ધરારી ઉપર પ્રગટ હોયા. બોલો શ્રી સુખદેવજી મહારાજ કી જય. જન્મિયા જણે સુખદેવજી ની ઉંમર કેટલી હતી 12 વર્ષ. આ 12 વર્ષ નો બાલક રવાના હો ગયો. હવે સુખદેવજી લારે દોડ્યા. પુત્રે તી તન્મય તયા તરવો બી નહીં દુસ. બેટા 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 એવું કહેતા હોવા સુખદેવજી ને લારે વ્યાસજી દોડે. સુખદેવજી મહારાજ રૂપણો રે માને શક્તિ ભરવી. પેડો મેં શું અવાજ આવે કુણ કિણરા બાપ કુણ કિણરા બેટા. સંસાર મેં મુખ ઓઈજ બંધન હૈ આસક્તિ ઓઈજ દુઃખરો કારણ હૈ. આગે દેખો સરોવર મતે અપ્સરામાં બિના કપડા સ્નાન કરે. સુખદેવજી વઠે શું નીકળ્યા. ઉણ અપ્સરાઓને કોઈ લજ્જા નહીં આવી. સુખદેવજી રે લારે. સુખદેવજી રા પિતાજી વ્યાસજી બેટા બેટા કહેવતા હોવા વઠે આયા. ઉણ અપ્સરાઓને લજ્જા આવી. બે જલસો બારે આય કપડા પહેન્યા. વ્યાસજી ઇતરજ કર્યો મારો જવાન બેટો અવારો અઠે શું નીકળ્યો. બેટાને દે કે લજ્જા નહીં કરી ઓર મને ભૂડાને દે કે લજ્જિત હોઈ. એણરો કારણ બે અપ્સરાઓને પૂછ્યો. એણે અપ્સરામાં કહેવે આપણી દ્રષ્ટિમાં સ્ત્રી પુરુષનો ભેદ હૈ પર આપણી બેટારી પવિત્ર દ્રષ્ટિમાં સ્ત્રી પુરુષનો ભેદ નહીં. કશો ઉત્તર સુણ્યો વ્યાસજી ચૂપ હો ગયા. એડા હાવે શ્રી સુખદેવજી. હવે દેખો ગુફામાં જાય સમાધિસ્થ ગયા. સુખદેવજી મહારાજને વ્યાસજી ભાગવતજી રા શ્લોક સુણાયા. સુખદેવજી સમાધિ સુ જાગ ગયા. આઈન કહે પિતાજી એડા શ્લોક ઓર સુણાવો. જેણે કહ્યું બેટા કુટિયા મતે ચાલ એડા તને કઈ શ્લોક સુણાવો.
भगवान रे गुणों सु आकृष्ट होई सुखदेव जी व्यास जी रे कने आई भागवत जी रो अध्ययन करियो। मैं सुखदेव जी निर्लिप्त अनासक सुखदेव जी रे साथे परीक्षित रो संवाद की कर हुयो। मैं अवधूत वेश में हस्तिनापुर रे कने घूमता रहे उताहा लोग मैंने किकर ओढ़ किया सुनियो है। मैं सुखदेव जी कोई ग्रस्त व्यक्ति रे घर में जावे तो एक गाय दुवे उतनी टाइम ही रुके, ज्यादा कठी रुके नहीं। तो 7 दिन वे राजा परीक्षित ने कथा किकर सुनाई। दुनिया में सुखदेव जी जड़ो वक्ता होनो कठिन और परीक्षित जैसो श्रोता होनो कठिन है। क्यों? दोनों रा जन्म कर्म बड़ा दिव्य है। परीक्षित क्यों राज छोड़ियो, अंजल छोड़ वे क्यों गंगा किनारे आया? सूत जी महाराज कहे ऋषि लोगो व्यास जी द्वापर में महर्षि पराशर सु प्रगट हुआ। सरस्वती नदी रे किनारे वे आचमन करन बैठा हा। सूर्योदय रो टैम हो, विचार आयो अवे आगे कलयुग आ गया है। कलयुग रे मायने लोगों की उम्र थोड़ी होई, कलयुग रे मायने दुर्बुद्धि अश्रद्धालु लोग होई। वे ज्ञान दृष्टि सो सब देखे, वर्ण आश्रम रो हितरो विचार करियो। एक वेद रा चार विवाह करिया, चार चेलों ने चार वेद पढ़ाया। मारा पिता रोमर्षण मेरी कृपा सु इतिहास पुराण रा ज्ञाता हुआ। स्त्री शूद्र सबरे कल्याण रे वास्ते देखो वे महाभारत भी रचना करी, पर मैंने संतोष नहीं है। आज व्यास जी दुखी हो इन बैठा हा, मने संतोष क्यों नहीं है? देखो भाई, आदमी रे कने मकान है, कपड़ा है, गहनो है, परिवार है, पर संतोष कटे बोलो? संतोष तो देख नहीं को नहीं मिले। नाम बायोरो गणो ही संतोष है, नाम कहीं संतोष बाई है, पर संतोष देखो आगे ला रही को नहीं। आज व्यास जी री कुटिया मते नारद जी आएगा। नारद जी खड़ा होई व्यास जी रो सत्कार करे। व्यास जी ने आसन रे ऊपर बैठाया। व्यास जी नारद जी रो आदर करे। नारद जी कहे व्यास जी आप रो शरीर तो ठीक है, जो कुछ करनो हो आप सब कुछ करियो, पर आप दुखी क्यों हो? व्यास जी कहे नारद जी आप तो भगवान रा परिकर हो, आपसे तो कोई बात छिपियोड़ी है नहीं, मने संतोष नहीं है। जण नारद जी कहे आप महाभारत में धर्म और काम मोक्ष रो वर्णन करियो, पर जठे भगवान री महिमा रो वर्णन होनो चाहिए, आप भगवान री महिमा रो वर्णन नहीं कर पाया। जो व्यक्ति आपरी वाणी शु भगवान रो गुणगान नहीं करे तो उनकी वाणी कूड़ा गर्दी तरह है। आप तो भगवान रा कृपा पात्र हो, भगवान रे चरित्र रो वर्णन करो। मैं आपने मारे पूर्व जन्म री एक बात सुनाऊ। मैं पूर्व जन्म में एक दासी रो बेटो। मारे घर में मैं और मारी माँ दो ही था। गांव में संत चौमासो करने रे वास्ते आया तो मारी माँ मने संतों री सेवा में राख दी। मारी अवस्था उन समय 5 वर्ष री ही। मैं और टबरियों री तरह खेलतो कूदतो कोई नहीं, थोड़ो बोलतो, संतों रे कने बैठ कथा सत्संग सुनतो। संतों री मारे ऊपर कृपा हुई, संत लोग प्रसाद पाई लेव ता मैं भी प्रसाद पाई लेव। तो चतुर्मास पूरो होने लागो, मैं संतों ने प्रार्थना करी मने उपदेश देव। संत मने उपदेश दियो, मैं भगवान री महिमा रो मरम समझ गियो। संत लोग घर रवाना हो गया, मैं घरे आयो। घरे आई मैं मारी माँ ने कहो माँ मैं साधु बनू। माँ कहे बेटा तू साधु बन जाई जन मारो कहीं हो। मारी माँ रो मारे प्रति बड़ो ममत्व, अबे मैं भी कहीं करूँ? मारो अकेलो बेटो,
मैं घर में ही रही हो। एक दिन कही हुई हो मारी माँ गाय दूंगने रे वास्ते सामरी टेम बाड़े में गई, रास्ते में एक सांप माँ ने डस ले गए, जहर सु मारी मृत्यु होगी। मैं तो भगवान री कृपा मानी, मारी अंत्येष्टि क्रिया होगी, अबे घर में कोई दूजो तो हो नहीं, मैं तो चुपचाप घर छोड़ घर सु निकल गो, उत्तर दिशा री तरफ गियो। कई देश कई नदी कई पर्वत सबने पार करतो करतो एक सुने जंगल में पहुंच गयो। चालता चालता थाक गियो, भूख लागी प्यास सताई, आगे गियो तो एक नदी आई। नदी रे किनारे मैं वटे हाथ पग धोया, मुंडो धोयो, पानी पियो, पचे स्नान करी, मारी थकावट दूर हुई। नदी रे किनारे एक पीपल रो पेड़ हो, उन पीपल रे पेड़ रे नीचे बैठ, मैं संतान रे बतायुड़ा उपदेश रे अनुसार वटे बैठ, भगवान रे स्वरूप रो ध्यान करने लागो। उन समय परमात्मा मारे हृदय मंदिर में प्रकट हो गया, मैं आनंद समुद्र में मगन हो गयो, मने बारे रो कोई ज्ञान नहीं। थोड़ी देर पचई भगवान री वा छवि हृदयाशु अंतर्धान होगी, अबे मैं बड़ो व्याकुल हुई। भगवान री उन छवि ने देखने री फेर चेष्टा करी, पर भगवान रो वो स्वरूप मने दिखी हो नहीं, मैं व्याकुल हुई। आकाशवाणी हुई, अध कचरा योगी ने मारो दर्शन नहीं होवे, हाल थारी वासनावा खत्म नहीं हुई है, इन शरीर रो त्याग करिया पचे तू मारो पार्षद वाणी। आकाशवाणी अंतर्धान होगी, मैं प्रणाम कर भगवान रे नाम रो गान करतो घूमतो रियो। एक दिन काल सामी आयो, मारो पंच भौतिक शरीर गिर गियो, मैं भगवान रो पार्षद बन गयो। अबे देखो कल्पांत में ब्रह्मा जी रे साथ ही मैं जलसाई नारायण रे शरीर में प्रविष्ट हो गयो, पचे सृष्टि रे आरंभ में ब्रह्मासु में प्रगट हुयो। मारी गति कठई रुके नहीं, भगवान री सेवा शु जड़ो चित शांत होया करे, वैसो योग आदि शु भी नहीं होवे। व्यास जी आप मने पूछियो, मैं आपने उत्तर दे दियो, आपरे अपरितोष रो कारण भी बताई दियो। नारद जी महाराज वीणो बजावता हरिगुण गावता वटेश्वर रवाना हो गया। नारद जी महाराज धन्य है, देखो भगवान री कीर्ति गावता हुआ दुखी जीवों ने आपकी वीणा रे स्वर सो आनंदित करे। नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण 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 हरि हर नारायण हरिहर नारायण 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 अत्रि नारायण 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 अत्रि नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण जी महाराज। नारद जी तो वटे सो रवाना हो गया, पचे व्यास जी कहीं करे। सूत जी महाराज कहे ऋषि लोगो सरस्वती नदी रे पश्चिम तट मते शम्याप्रास व्यास जी रो आश्रम, जठे बद्री वृक्ष बोरोरा पेड़ वठे व्यास जी आचमन कर मन ने एकाग्र करियो।
जन मैंने माया पुरुष रो दर्शन हो गए। देखो आ माया सब अनर्थरी मूल है और अनर्थरी निवृत्ति है वह भक्ति रे द्वारा होया करे। अबे देखो व्यास जी भागवतरी रचना करी, भागवत सुने तो मिन खरी भगवान में भक्ति हो जावे, भागवत सुने दुख मिटे, मोह दूर होवे, भय मिटे। व्यास जी रा बेटा सुखदेव जी महाराज निवृत्ति मार्ग में लागुड़ा, ग्रंथ रे अध्ययन अध्यापन सो मैनो कोई संबंध नहीं, पर भगवान रे गुणों सो आकृष्ट होई और वे भागवत रो अध्ययन पिताजी सो करियो और वही ज्ञान वे राजा परीक्षित ने सुनायो। अबे राजा परीक्षित रे जन्म कर्म री और मुक्ति री पांडव रे महाप्रस्थान री बात बता रियो। महाभारत में कौरव पांडवरा सेनारा कई वीर वीर गति पा लेवे, भीमरे गदा प्रहार सु दुर्योधन री जांग टूट गई, अश्वत्थामा दुर्योधन रे संतोष रे वास्ते द्रौपदी रा बेटा नींद में सुता हा मेरा माथा काट दिया। द्रौपदी रोवे विलाप करे, अर्जुन कहे तू रो मत, मैं अश्वत्थामा रो माथो काट लू, थूण रे माथा रे उपर बैठ थारे माथे रा बाल धोई लीजे। अबे अर्जुन अश्वत्थामा रे लारे दौड़ियो, अश्वत्थामा आगे भागने लगो। अबे दौड़ता दौड़ता बचाव रो कोई उपाय दी क्यों नहीं, अबे उपसार जाने नहीं, अर्जुन रे ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दियो, जण अर्जुन आपरो ब्रह्मास्त्र छोड़ दियो। दोनों अस्त्र आपस में टकराया, एड़ो दृष्टि हो गयो मानो प्रलय होने वालों। भगवान हुक्म दियो, अर्जुन दोनों अस्त्रों ने खेस शांत करे। अबे अश्वत्थामा ने पसूरी तरह बांध डेरा मते लेन आया, द्रौपदी अश्वत्थामा ने पसूरी तरह बंदियोड़ो देख कहे मुच्यताम 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 एष ब्राह्मणो नितराम गुरु, अरे इनने छोड़ दो छोड़ दो, तो गुरु जी रो बेटो है। देखो मारा बेटा मर गया मैं रोऊं हूं, वो भी मर जाई तो इनरी माँ भी रोई, इनरी माँ ने मत रुकाओ। अबे द्रौपदी री बात रो सब लोग आदर करियो, पर भीम कहे नहीं नहीं एड़ा दुष्ट ने तो मारनो ही ठीक है। अबे देखो भीम उन्हें मारने रे वास्ते आगे बढ़ियो तो द्रौपदी बचाने रे वास्ते आगे आई, जने परमात्मा चार भुजा धारण कर ली। बोलो चार भुजा भगवान की जय। दो भुजा सु भीम ने रोके, दो भुजा सु द्रौपदी ने भगवान रोके। अर्जुन ने कहे देख अर्जुन अदम ब्राह्मण ने भी मारनो नहीं, पर जो आततई होवे शस्त्रधारी होवे उनने तो मारनो ही ठीक है, मैं दोनों बातें कही है। अर्जुन भगवान री बात ने समझ गया, अश्वत्थामा ने पकड़, अश्वत्थामा रे माथारो मुंडन करवायो, माथारो मुंडन करवायो। अबे अश्वत्थामा ने धक्को दे शिविर सो बारे कर देवे। शास्त्रों में अधम ब्राह्मण रो ओज वध है, ब्राह्मण ने कदी प्राण दंड नहीं देवणो, मुंडन कर लेवणो, धन खोस लेवणो, स्थान सु धक्को दे बारे कर देवणो, ओ अधम ब्राह्मण रो वध है। अबे बेटो रे दुख सु व्याकुल पांडव आपरे मृत पुत्रों रा दाह संस्कार आदि पारलौकिक कर्म करिया, मृत बंधुआ ने जलांजलि देवने रे वास्ते सब लोग गंगा किनारे आया, जलांजलि दे। अबे बैठे वे दुखी होन बैठा है, भगवान कृष्ण कालरी गति बलवती बतलावता हुआ कहवे इन संसार में हमेशा कोई भी नित्य नहीं है, संसार में जो भी जन्म लेवे उनरी मृत्यु निश्चित है। भगवान कृष्ण कालरी गति बलवती बतलावता हुआ कहवे मरण
मनवा नहीं विचारी रे, मनवा नहीं विचारी रे, थारी मारी करता उमर बीती सारी रे, ओ मनवा नहीं विचारी रे, मनवा नहीं विचारी रे, थारी मारी करता उमर बीती सारी, दस मास गर्भ में राख्यो आप मुरारी रे, नव दस मास गर्भ में राख्यो आप मुरारी रे, नाथ बाहर काडो भक्ति करशो थारी रे, ओ मनवा नहीं विचारी रे, मनवा नहीं विचारी रे, थारी मारी करता उमर बीती सारी रे, ओ मनवा नहीं विचारी रे, मनवा नहीं विचारी रे, बालपण में लाड लडायो माता थारी रे, बालपण में लाड लडायो माता थारी रे, पर जोवन जवानी माई नारी लागे रे, मनवा नहीं विचारी रे, मनवा नहीं विचारी रे, पर जोवन में नारी लागे थने प्यारी रे, मनवा नहीं विचारी रे, मनवा नहीं विचारी रे, थारी मारी करता उमर बीती सारी रे, मनवा नहीं विचारी रे, मनवा नहीं विचारी रे, माया माया कर सो फिरियो जुड़े सुमारी रे, माया माया कर तो फिरियो जुड़े सुमारी रे, कूड़ी कूड़ी कारण ले तो राड उतारी रे, मनवा नहीं विचारी रे, मनवा नहीं विचारी रे, थारी मारी करता उमर बीती सारी रे, मनवा नहीं विचारी रे, मनवा नहीं विचारी रे, उडू भयो जब यूं बोली घर की नारी रे, उडो भयो जब यूं उठ बोली घर की नारी रे, ओ बोदलियो कद मरे छुट गेल हमारी रे, मनवा नहीं विचारी रे, मनवा नहीं विचारी रे, थारी मारी करता उमर बीती सारी रे, मनवा नहीं विचारी रे, मनवा नहीं विचारी रे, रुक गया सांस दसों दरवाजा मिट गई गारी रे, रुक गया सांस दसों दरवाजा मिट गई गारी रे, कालू राम पुराने सरणे जन्म सुधारी रे, ओ मनवा नहीं विचारी रे, मनवा नहीं विचारी रे, हारी मारी करता उमर बीती सारी रे, ओ मनवा नहीं विचारी रे, मनवा नहीं विचारी रे, मनवा नहीं विचारी रे, भगवान कृष्ण कालरी गति ने अठे बलवती बतलावता हुआ कई दृष्टांत देवे, भगवान युधिष्ठर जी ने राजगद्दी दिलाई दी, युधिष्ठर जी सो 3 अश्वमेध यज्ञ करवाया, युधिष्ठर जी री महिमा खूब दुनिया में फैली, अबे भगवान सात्यकी और उद्धव ने साथे ले द्वारका जाने रे लिए ज्यों ही रथारूढ़ हुआ तो
तो सामे उत्तरा दौड़ती दौड़ती आई, पाई माम त्राई माम, पति को बाण मारी तरफ आवे, मने भलाई वशम करे पर मारे गर्भ रो नाश नहीं करे। देखो एक वारकरी नारी आपरे गर्भ री चिंता करे, गर्भ रो नाश नहीं होवे। पर आज दुख है ऋषि मुनियों रे इन देश रे माई ने गर्भ हत्या जैसो पाप हो रही है। गर्भ हत्या रो पाप ब्रह्म हत्या सो भी बड़ल बतायो जावे, गर्भ हत्या उचित नहीं है। गर्भ रे माई ने जन्म सो पहला ही बालक ने मार दियो, आ कठे तक उचित बात है। अबे देखो सरकार भी रोक लगाई, संत लोग हमेशा सुई कहवे महापाप सो बचो बचाओ, अबे सरकार कहवे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो शास्त्र तो पहले सुई अपने निवेदन करे तो गर्भ हत्या रो पाप ब्रह्म हत्या सो भी बड़न है। जो गर्भ हत्या जैसो पाप करे उनरे आत्रो दियोड़ो देवता ब्राह्मण भी स्वीकार नहीं करे। यदि ज्यादा संतान नहीं चाहिए तो संयम सुरो, पर इन बात ने तो स्वीकार करे नहीं। और गर्भ रे माई ने जन्म लेने वाला बालक ने गर्भ में ही खत्म कर दे उन्हों, और कठे तक उचित है। आज भगवान उत्तरारी वाणी सुनी, भगवान उत्तरारे गर्भ री रक्षा करी, पांडवों री तरफ पांच अलग अलग बाण आया। भगवान सुदर्शन चक्र सो पांडवों री रक्षा कर आपरो भक्त वत्सल नाम सार्थक करी। अबे भगवान पाचा ज्यों ही द्वारका रे लिए रवाना हुआ, कुंती कवे प्रभु विपद संतु न सस्वत तत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यतस्याद पुनर्भव दर्शनम। कुंती कवे मने हमेशा कष्ट मिलतो रहे, बताओ दुनिया में एड़ो कुण मिनक होई जो कष्ट चावे। कुंती भी कोई कष्ट नहीं चावे। कुंती कवे इता दिन दुकरा दिन हा, हे प्रभु आपरा दर्शन होता हा, आज सुख आयो तो आप छोड़न जा रिया हो, एड़ो सुख नहीं चाहिए मने तो आपरा दर्शन चाहिए। बलिहारी वा दुख की पल पल नाम रटाए। कुंती री प्रार्थना सुन भगवान कहे बुआ जी आपरी इच्छा पूरी होए। भगवान पाचा नगरी में आएगा, अठीने देखो महाभारत रे मायने इत्ता योद्धा मर गया, युधिष्ठिर जी दुखी होवे, एक राज्य रे वास्ते मैं लड़ाई रे मायने किता सेना ने किती सेना ने खत्म करवाई, मारी कई गति होई, करोड़ों वर्षों तक मारो नरक से उद्धार नहीं हो सके। अबे व्यास आदि महात्मा भगवान खुद युधिष्ठिर जी ने समझावे पर मेरो दुख मिटियो नहीं। भगवान आपरी भक्तरी महिमा संसार में प्रकट करनो चावे। नित्यरी भांति युधिष्ठिर जी महाराज सुबह ही सुबह भगवान रा दर्शन करने रे वास्ते भगवान रे महल में आया। भगवान आंखियां बंद करन ध्यान मगन होइन बैठा है। युधिष्ठिर जी देखियो सारी दुनिया यहां रो ध्यान करे, एकिन रो ध्यान करे। ज्यों ही भगवान आंखियां खोली युधिष्ठिर जी पूछियो प्रभु आप किन रो ध्यान करो। भगवान कहे भक्त मने याद करे तो मैं भक्तों ने याद करूं। भगवान री आंखियों में आंसू आया और कहे विषम जी आर्त भाव सु मने याद करता हा, मैं भी वठे पहुंच गियो, अब है भरतवंशी सूर्य अस्त होने वाड़ो है, आप विषम जी रे चरणों में जाए धर्म तत्व सुनो। भगवान री आज्ञा हुई, युधिष्ठिर जी महाराज कुरुक्षेत्र गया। विषम पितामह स्वरक्षु ग्रियोड़ा देवता री तरह देखो सर सैया मत सुता है। विषम जी रे दर्शन रे वास्ते कई महात्मा लोग वठे आयोड़ा हा। भगवान वठे अर्जुन रे साथे पहुंच गया, युधिष्ठिर जी रा भाई भी वठे पहुंच गया। विषम जी सब ने मानसिक प्रणाम करे, भगवान रो पूजन वे मानसिक आपरे हृदय मंदिर में करियो। विषम जी री भगवान अर्जुन रे ऊपर पांडवों रे ऊपर दृष्टि पड़ी। विषम जी कवे भगवान री लीला ने कुण जान सके,
जटे अर्जुन है, भीम है, भगवान है, वठे देखो कष्ट हो, अभी एक परमात्मा री लीला है, भगवान री कृपा देखो, मारे प्राण त्यागरो समय आयो, भगवान मने दर्शन देवने रे वास्ते आई गया, मैं तो वही चाहूं मने भगवान री इन चतुर्भुज सवीरो दर्शन होतो रहे। पठे देखो सरसैया मते सुता विषम जी सु युधिष्ठिर जी महाराज मंदरी शांति रे लिए कई धर्म पूछिया है। विषम जी नाना आख्यानों रे द्वारा, नाना इतिहासों रे द्वारा वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, भगवत धर्म, स्त्री धर्म, इन सब बातों रो वर्णन था। और कहवे थे खुद ने करता मानन क्यों दुखी हो, करे करावे राम जी मैं कछु करता ना, राम चरण जो मैं करूं बड़ी चूक मुझमा। मैं करियो आ सबसे बड़ी भूल है, जो हुयो राम जी री कृपा में, जो हो रियो है राम कृपा से हो रियो है, आगे जो हो राम जी जड़ो चाही वेड़ो हो, अपा तो भगवान री मर्जी में अपारी मर्जी मिलाई जा। गर्मी कितनी तेज है, एक आदमी सड़क मते कोई बोझो लियोड़ो गांठ ऊंचाईड़ो सड़क मते वे लारे सु एक घोड़ा मते बैठन एक आदमी आयो, एड़ी गर्मी रे माई ने वो आदमी गांठ ऊंचाईड़ो बोझो ऊंचाईड़ो सड़क मते गर्मी में बहवे, घोड़ा वाला ने दया आई, घोड़ा वालों कहे ए भाई तू भी घोड़ा मते लारे बैठ जा, आ गांठ भी घोड़ा मते रख ले तू ही घोड़ा मते बैठ जा। जन उन आदमी ने घोड़ा मते बैठाई लियो, पहला तो वो गांठ घोड़ा रे ऊपर बीच में रखी खुद लारे बैठ गो, अबे विचार आयो मिन कितो दयालु है मने घोड़ा मते बैठायो, पर मैं कितो दुष्ट कि गांठ भी घोड़ा मते रख दी, वो लारे घोड़ा मते बैठो बैठो कहीं करियो गांठ ऊंचा ना आपरे माथा मते रख ली। घोड़ा वालो जो ही लारे देखियो देखे तो वो भाई घोड़ा मते बैठो है और गांठ ऊंचाईड़ो बैठो है, अरे भाई आ गांठ घोड़ा गांठ तो माथा मते क्यों ऊंचाई, घोड़ो भारिया मरी इन वास्ते थू कटे बैठो, मैं तो घोड़ा मते ही बैठो, अब बताओ खुद घोड़ा मते बैठो है गांठ ऊंचाईड़ो बैठो, घोड़ा रे तो कोई भार कहूँ यो कोई नहीं, खुद बीच में यूं ही पसीजे, तो भाई करने कराने वाला तो राम जी महाराज है और बीच में अपना झूठो अभिमान करा और मैं करियो, कई थारी गशक है बोलो। भगवान जी कृपा रे बिना पेड़ रो एक पत्तो भी नहीं हिल सके, बताओ अपना कई कर सका, खाली झूठो अभिमान है। इन वास्ते अठे युधिष्ठिर जी दुखी आ, विषम जी बहने समझावे, देखो भगवान गीता में कई कहवे, द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथा ज्ञान पियोधवीरा मया हतास्त्वं जहि मां यथिष्ठा युद्धस्व जेता शिरणे सपत्ना। द्रोण विषम सेनारा है बड़ा बड़ा वीर है, याने मैं मारिया है ते क्यों दुख करो, यूं कह लगो भगवान समझावे। अबे अटे विषम जी भगवान री वाणी सुन, भगवान रे स्वरूप रो दर्शन करता हुआ भगवान में आप रो मन लगायो, भगवत कृपा सु शस्त्रों री पीड़ा दूर होगी। अबे अटे देखो विषम जी भगवान री स्तुति करी है, उत्तरायण रो समय आयो, विषम जी रे शरीर सु एक दिव्य ज्योति निकली, जो सबरे देखता देखता भगवान में लीन हो जावे, आकाश में दुंदुमिया बाजने लागी, देवता पुनौरी वर्षा करे। युधिष्ठिर जी दुखी हो, विषम जी रे शरीर रो दाह संस्कार करियो, ऋषि मुनि भगवान ने प्रणाम कर आप आपरे आश्रम जावे। युधिष्ठिर जी हस्तिनापुर आया, सबने सांत्वना दे, धृतराष्ट्र की आज्ञा सुन धरारो शासन करने लाग गया। ऋषि लोग कहे सूर्य जी महाराज युधिष्ठिर जी आत कई राजाओं ने मार देवे पचे वे कहीं करे, सूर्य जी महाराज कहे भगवान परीक्षित री रक्षा करी, पांडव वंश ने अंकुरित करियो, युधिष्ठिर जी ने राजगद्दी दे दी। अबे देखो युधिष्ठिर जी
दरारो शासन करे, प्रजा सुखी है। भगवान द्वारका के लिए रवाना हुआ, अर्जुन छत्र ग्रहण करे, उद्धव सात्य की विजन चमर डुलावे, नगरी स्त्रियां भगवान रो गुणगान करे। भगवान सबने दर्शन लाभ देवता हुआ रवाना हुआ, कई देशों रो कई नदी पर्वतों रो अतिक्रमण करता हुआ, मार्ग रे लोगों री पूजा स्वीकार करता हुआ, देखो सूर्य नारायण अस्ताचलगामी हो गया है। भगवान द्वारका रे कने पहुंचिया और आप रो पांच जन्य संग बजायो, संग ध्वनि सुनी द्वारकावासी देखियो भगवान आईगा। बे द्वारकावासी नाना भेंट ले भगवान रे चरणों में आया, नाना भेंट भगवान ने अर्पित कर द्वारकावासी कवे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आपीज मोरा माता पिता, आपीज मोरा सुवर्त बंधु, जिन दिन सो आप मने छोड़न गिया, मारो एक एक क्षण युगरी तरह बीत रियो, मैं तो वही चाहवा हमेशा अपना दर्शन होता रहे। भगवान सबने आश्वासन देवे, सबरे साथे द्वारकापुरी में प्रवेश करे। द्वारकापुरी की अड़ी सुंदर शोभा, जगह जगह मांगली कलश रखियोड़ा, केले रा खंबा लगायोड़ा, दीपक प्रज्वलित करियोड़ा, सुगंध पूरे नगर में फैलियोड़ी है, दुर्वारा अंकुर बिखेरियोड़ा, धूपरी सुगंध आवे, नगर री स्त्रियां नगर री गर्री अटारियां सो भगवान रा दर्शन लाभ देवे। भगवान राजमार्ग में पहुंचिया है, राजमार्ग में पहुँचता ही स्वामी देखो वसुदेव जी, अक्रूर जी, प्रद्युम्न जी, साम जी, ऐ सब भी हाथों में पुष्प मालावां लेन आया है। भगवान ने पुष्प मालावां धारण करवाई, भगवान अटे सबसु यथा योग्य मिलिया, की कर जाकी रही भावना जैसे, जो जिन भाव सु मिलनो चावे, कोई ने तो प्रणाम करने लिया, कोई ने हृदय लगान मिलिया, कोई ने देखन, कोई सु मुस्कराए, कोई ने आत्रो इशारो कर, जो जिन भाव सु मिलनो चावे भगवान सबसु मिल लिया। अवे सबरे साथे भगवान देखो राजमार्ग सु राजमहल तक आएगा। अवे साथी जिता लोग अवे ने कहो अवे सब आप अपने घरे जाओ भाई, सबने रवाना कर। अबे भगवान सबसे पहला माता पिता रे महल में जाए, माता पिता ने प्रणाम करे। देखो अपारी आ सनातन परंपरा है, घरों बारे जाओ तो बड़ा बूढ़ों ने माता पिता ने प्रणाम करन पचे जाऊंगा, बारह पाचा आओ तो माता पिता ने बड़ा बूढ़ों ने प्रणाम करो। अबे कौन बड़ा बूढ़ों ने माता पिता ने प्रणाम करे, या तो आवते ही आपरा तबरियों मिले। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, ये कितना बदल गया इंसान। माता पिता रो आदर करोला, माता पिता रो सम्मान करोला, तो जीवन में थे आगे बढ़ पाओला। तो भाई कथा तो अपने इस बात सिखावे कि बड़ा बूढ़ो ने माता पिता ने प्रणाम करो, आओ भाव सो सब लोग प्रणाम करो। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया ऋण कभी न सके चुकाया, माता ने जो कष्ट उठाया ऋण कभी न सके चुकाया। जिनकी गोदी में पल कर हम कहलाते होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में
धनवत बारंबार हम पर किया बड़ा उपकार हम पर किया बड़ा उपकार पिता ने हमको योग्य बनाया कमा कमा कर अन्न खिलाया पिता ने हमको योग्य बनाया कमा कमा कर अन्न खिलाया जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार हम पर किया बड़ा उपकार हम पर किया बड़ा उपकार माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार हम पर किया बड़ा उपकार हम पर किया बड़ा उपकार गुरु ने तत्व ज्ञान दर्शाया अंधकार सब दूर हटाया गुरु ने तत्व ज्ञान दर्शाया अंधकार सब दूर हटाया जिनु कारण ही कृपा करे वे कितने बड़े उदार हम पर किया बड़ा उपकार हम पर किया बड़ा उपकार माता पिता गुरु प्रभु चरणों प्रणवत बारंबार हम पर किया बड़ा उपकार हम पर किया बड़ा उपकार प्रभु कृपा से नरकन पाया संत मिलन का साज सजाया प्रभु कृपा से नरकन पाया संत मिलन का साज सजाया भक्ति मुक्ति का फूल दिया भंडार हम पर किया बड़ा उपकार हम पर किया बड़ा उपकार माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार हम पर किया बड़ा उपकार 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 और भगवान यारो अपने ऊपर कितो उपकार है नर्तन माता पिता रे द्वारा मिलियो पहले दाता हरि भया तिनते पाई जिंद पीछे दाता गुरु भया जिंदा के गोविंद माता पिता गुरु और भगवान यानी हमेशा आदर नित्य याने प्रणाम करनो देखो अपना धर्म ग्रंथ अपने आशीष देवे आज भगवान माता पिता ने प्रणाम कर पचे आपरे मेल में पधारिया भगवान री रानिया देखो भगवान रे दर्शन सो इतनी राजीव भगवान रे ऐश्वर्य रो में कई वर्णन करे मैं तो ऐस प्रार्थना कर रही हूं मारो बेड़ो लगा दीजो पार द्वारिकारा नाथ जी मारो बेड़ो लगा दीजो पार द्वारिकारा नाथ जी नाथ जी सी नाथ जी ओ नाथ जी सी नाथ जी मारो बेड़ो मारो बेड़ो मारो बेड़ो लगा दीजो पार द्वार करा नाथ जी दाऊ जी थारी चौकी पूवे दाऊ जी थारी चौकी पूवे बजा फरु के असिवार द्वारिकारा नाथ ओ थारी बजा फरु के असिवार द्वारिकारा नाथ जी नाथ जी
सी नाथ जी, ओ नाथ जी सी नाथ जी, मारो भेड़ो